बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। हम दोनों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की, दोनों में से कोई सफल नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि हम लोगों को दुश्मनी खत्म करके दोस्ती कर लेनी चाहिए। आपको पता है सूरज भैया, हमने अपने लिए आपकी तरफ से गिफ्ट भी ढूंढ लिया है, क्योंकि भाई दूज पे बहन को गिफ्ट तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। क्या नई चाल है रागनी, मगर हो सकता है कि कमल नारायण ने उसे समझाया कि एक ही घर में रह के दुश्मनी नहीं की जा सकती। इस तरीके से तेजस्विनी जी का भी पीछा छूट जाएगा। सूरज रुको, रागिनी ठीक कह रही, तुम्हारी और उसकी दुश्मनी का हिसाब अब बराबर हो चुका है, तो अपने मन मुटाव खत्म कर दो। आज भाई दूज, आज के शुभ अवसर पर अपने रिश्ते की नई शुरुआत करो। सूरज, बैठो। आओ आओ बैठो भाई। रागिनी हम मिठाई लेकर आते हैं। पेपर्स को कोर्ट में सबमिट करो। मैं वकील साहब के साथ जा। चलिए नमस्ते। क्या क्या तेजस्विनी जी, अरे कम से कम देख तो लेती कि किन पेपर्स पे आप साइन कर रही हैं। हाँ कमल जी, अब आप ही बताइए, हम बता दें या रागिनी को बताने दे? ना ना, रागिनी को स्वयं बताने दो, मजा आएगा मजा आएगा। सूरज सूरज, अरे सूरज भैया इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, गिफ्ट नहीं देंगे हमें और मुंह भी नहीं मीठा किया आपने। सूरज सूरज बेटा, बर्बाद हो गया सूरज बेटा, हमारा सब लूट गया सूरज बेटा, हमारा सब लूट गया इन लोगों ने। क्या हुआ, क्या किया इन लोगों ने? वही तो किया है जो करना चाहिए था, यही है भाई दूज का तोहफा। ये यही तो देखना चाहते थे हम, तुम्हारे चेहरे का उड़ा हुआ रंग। ये हमारा सबसे बड़ा तोहफा है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो और भी बहुत कुछ है। जब तुम्हारी इस माता जी को धक्के मार के हवेली से बाहर निकाला जाएगा ना, तो देखना तुम्हारे होश भी उड़ जाएंगे। सूरज भैया, पापा ने कहा कि हम तुम्हें मार नहीं सकते, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, तुम्हें इतने दुख दिए जाए, इतने दुख दिए जाए कि तुम अधमरे हो जाओ। औकात भूल गई, औकात भूल गई अपनी। जानती हो कौन है ये? इस हवेली की मालकिन है, कौन निकालेगा इन्हें? हम निकाल सकते हैं,
हम निकाल सकते हैं। अब इस औरत को इस हवेली में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चल। क्या मतलब कोई अधिकार नहीं है? अभी भी आपकी पत्नी है, पहली पत्नी। इस हवेली की मालकिन नहीं है। हर चीज पर हक है, बराबर का हक है इनका। ए, रागिनी बेटा, असलियत असलियत बताओ इसे, वरना खड़े खड़े यहीं चीखता चिल्लाता रहेगा। बताइए इसे। सूरज भैया, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि आपकी माताजी अब पापा की पत्नी नहीं रही, और ना ही इस हवेली की मालकिन, और ना ही यहाँ की किसी चीज पर इनका कोई अधिकार। इन्होंने खुद डाइवोर्स पेपर साइन किए। सुने, सुन लिया? इस औरत से अभी हमारा कोई वास्ता नहीं। ये सिर्फ तेरी मम्मी है अभी। क्या है? माँ। माँ, हाँ। इज्जत से ले जाए इसे, ले जाए यहाँ से, वरना धक्के मारकर बेइज्जत करके निकालेंगे। चल ले जाए इसे। इन लोगों ने धोखा दिया है, जबरदस्ती उस पेपर पे हमसे साइन कराए। बेटा चुप, ये रोने धोने का नाटक कहीं और करना, ड्रामा क्वीन। चलो सूरज, सूरज बेटा चल। ए, रुको रुको, हाथ छोड़ो हमारी मम्मी का, छोड़ोगे? हाथ मत लगाना, काट देंगे हाथ। पीछे हट, पीछे हट। रागिनी, तुम जो भी करो गलत हुई। चुप, तुम्हें यहाँ हुक्म देने के लिए नहीं रखा, हुक्म सुनने के लिए रखा, समझी? चुप। चल सूरज। जब तक हम जिंदा हैं, हमारी मम्मी को इस हवेली से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। इनका तलाक हो गया, इसीलिए इनका इस हवेली से अब कोई संबंध नहीं। रागिनी ने आज तक जो बात की, उनमें से किसी भी बात पर ना तो हमें विश्वास है, ना हम उसकी बात मानते हैं। पर ये जो बात उसने कही वो बिल्कुल ठीक है। तेजस्विनी जी को हवेली छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या कह रही हो, समझ में आ रहा है? पागल हो गई हो क्या? इन लोगों का साथ दे रही हो तुम? दीदी तू क्या कर रही, क्या बुरी गलत हुई है? हम जो भी कह रहे ठीक कह रहे हैं भी। वो तेजस्विनी जी थी जिन्होंने हम पर इतने जुल्म ढाए। सबसे ज्यादा बुरा व्यवहार इन्होंने ही किया हमारे साथ। वो आप ही थी जिन्होंने हमें गिरवी रखा था जब हम अपनी माँ के पेट में थे। वो आप ही थी ना जिन्होंने हमें ये मोहर दी, तबेले में जानवरों के साथ इन्होंने रखा था हमें। बल्कि इन्होंने तो हम पर इतने अत्याचार किए कि अत्याचारों की सूची कभी खत्म होती ही नहीं। हम तो बहुत खुश हैं कि आज इन्हें यहां से निकाला जा रहा है। और सूरज, हम इस हवेली की बड़ी बहू हैं, तो बड़ी बहू होने के नाते ये हमारा हक है कि हम फैसला करें कि हवेली में हमारे साथ कौन रहेगा और कौन नहीं। और हम तेजस्विनी जी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते, इसीलिए आज इन्हें यहां से जाना पड़ेगा। यकीनन यकीनन, इस औरत ने रागिनी के साथ तो बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत जुल्म ढाए हैं इस बच्ची पर, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चकोर को सताया है इसने।
तो गुस्सा लाजमी है भाई, इन दोनों का गुस्सा इस औरत पर लाजमी है। हाँ। फिर से धोखा दिया तूने हमें, फिर से धोखा दिया। अब हमारी समझ में आया कि तू वापस हवेली क्यों आई है, हमें बचाने के लिए नहीं बल्कि अपना बदला पूरा करने के लिए। लेकिन अपने बदले की आग बुझाने के लिए तू हमारी माँ को जलील नहीं कर सकती है। चलिए मम्मी। जागिनी, अगर तेजस्विनी जी को निकालना है तो पहले हमें सूरज को रोकना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो, सूरज को पकड़ो। अरे सूरज, तुम कहाँ जा रही हो? वहां नहीं, यहाँ चलो, चलो निकलो। सूरज छोड़ो, चकोर, हम तेरी गद्दारी की सजा तुझे जरूर देंगे। हम इस घर में एक बहू बनकर आए थे, हम चाहते हैं कि इस हवेली से हमारी अर्थी निकले। एमपी साहब ऐसा ना कीजिए। एमपी साहब, अरे चल चल चल। इमली चलो यहां से, हमें इंटरव्यू के लिए देर हो रही है, हमें तैयार होना। पर विवान, पर क्या? तुम्हारे यहां रुकने से कुछ बदलने वाला नहीं, चलो। चल निकल। अब ये जलवा सड़क पे जाके दिखाना। नहीं एमपी साहब, ऐसा मत कीजिए। रंजना चलिए चलिए, रागिनी आ बेटा, बला टली। चलो बेटा। गिजा मौसी, तेजस्विनी जी को अपने घर लेकर जाओ और वहीं रखो। चलिए हमारे साथ। कहाँ ले जा रही है गिरजा? हमारे घर, आप वहीं रहेंगी। भाभी जी, हमने आपका नमक खाया और हमारी हर चीज पर आपका पूरा हक है। हमारा घर जरूर छोटा है पर आपकी हर चीज पर आपका पूरा हक है, वो आप ही की देन है। अब चलिए हमारे साथ गिरजा। एक तो ही वफादार निकली, चलिए।
कमल नारायण राजवंशी, रागी नहीं, ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। हमारी माँ को हवेली से निकाल के ठीक नहीं किया तुम लोगों ने। दरवाजा खोलो। चकोर, तू इतनी बड़ी गद्दार निकलेगी हमें पता नहीं था। मार देंगे तुम सबको, गाड़ देंगे जमीन में, मार देंगे सबको। तेजस्विनी जी को हवेली से निकाल दिया तो जाने दो उन्हें। आज तुमने ये साबित कर दिया चकोर कि हमारे और हमारी मम्मी के सामने नाटक कर रही थी तुम। और किन किन चीजों के लिए तुम मिली हुई हो उन लोगों के साथ? हमारी मौत का प्लान भी बनाया क्या? बताओ। तुम हमें गलत समझ रहे। हमने गलत नहीं समझ रहे हम। और तुम्हारी वजह से हमारी माँ इस हवेली में नहीं है, सड़क पर है वो, तुम्हारी वजह से। अगर तुम उन लोगों के साथ नहीं मिली होती तो ये नहीं होता। तुम्हारे जैसी धोखेबाज हमने जिंदगी में नहीं देखी है। मार देंगे तुम्हें आज हम। हम हमारी माँ को सड़क पर नहीं रहने दे सकते। लेकर आएंगे इसी हवेली में वापस। फिर चाहे कोई कुछ भी कर ले, हमें कोई परवाह नहीं है। हो जाने दो खून खराबा। पागल मत बन, तुम कहीं नहीं जाओगे। कौन रोकेगा हमें? तुम रोकोगी या कमल नारायण राजवंशी? कोई नहीं रोक सकता। हम उसे लेकर आएंगे। हम जा रहे हैं। सूरज रुक जाओ। तेजस्विनी जी को हवेली वापस लाना चाहते हो ताकि ये लोग उन्हें सता सता कर मार दे। और सिर्फ सता सता कर ही क्यों? क्या जरूरत है? तुम्हारी गैर हाजिरी में उन्हें कब गोली मार दी और कब दफनाया किसी को पता भी नहीं चलेगा। जानते हो सूरज, उन्हें मार के दफनाने में कितना वक्त लगेगा? सिर्फ 2 मिनट लगेंगे सूरज। और आज ये हो जाता जब तुम हवेली से बाहर थे। क्या मतलब? अब जान के क्या फायदा? क्या मतलब सूरज? गिरजा मौसी ने हमें बताया कि आज रागिनी ने तेजस्विनी जी पर गोली चलाने की पूरी कोशिश की। वो तो उनकी जान लेना चाहती थी। वो तो कमल नारायण जी ने उसे रोक ली। वो भी तेजस्विनी जी के लिए हमदर्दी थी, इसलिए नहीं बचाए। सिर्फ इसलिए बचाए क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता है कि वो जेल ना चली जाए। रागिनी को छोड़ेंगे नहीं। सूरज, ये पागलपन बंद करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि रागिनी कोई खेल नहीं खेल रही। वो तुम्हारी माँ से कितनी नफरत करती है। वो बस एक मौका चाहती है कि वो तेजस्विनी जी से बदला ले सके। और कल रागिनी को वो मौका मिला था। सूरज समझने की कोशिश करो, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि तेजस्विनी जी हवेली के बाहर रह रही है। उससे उनकी जान को खतरा कम है। और रागिनी सोच रही है कि उसने बहुत बड़ा तीर मारी। और इन सब में सिर्फ हमारा ही फायदा है। हमें कुछ समय मिल जाएगा ये सोचने के लिए और समझने के लिए कि आगे हमें क्या करना है रागिनी के खिलाफ। इस तरह अपनी पिस्तौल लेकर उसके पीछे भागना बहुत बहुत बेवकूफी है सूरज। धिक्कार ऐसे बेटे पे जो अपनी मां को ना बचा पाए। हर चीज के लिए अपने आप को दोषी मानना बंद करो सूरज। तुम बुरे बेटे नहीं हो, बस ये परिस्थिति खराब है। और वक्त का क्या है? वक्त को कोई नहीं रोक सकता। वक्त तो बस गुजर जाता है। ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन हम क्या करें, हमें हमारी मम्मी की चिंता हो रही है। वो इस हवेली से बाहर कैसे रहेंगी? सूरज, हमने गिरजा मौसी से कहा है कि वो तेजस्विनी जी को अपने साथ अपने घर रखे। और कितने एहसान करोगी हम पे चकोर? हमारे एहसानों का हमने हिसाब लिख कर रखा है। सूद समेत तुमसे एक एक एहसान का हिसाब वापस लेंगे। सॉरी एंड थैंक यू। अब जाओ और अपनी मम्मी से मिल लो गिरजा मौसी के घर जाकर। अरे विपानी, आप कहाँ करे? आपने हमको बुलाया कहीं नहीं। हमेशा तो हम ही आपको खाना परोसते हैं ना। अरे नहीं इमरी, आज हम थोड़ा जल्दी में थे, इंटरव्यू के लिए जाना है। भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि आज हमारा काम हो।
प्रार्थना तुम जरूर करिए फिवान, वैसे आपकी रोटियां खत्म हो रही है, और दे। हाँ दे दो। वैसे विवान, आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ। जिस तरीके से तेजस्विनी माँ को धक्के मारकर हवेली के बाहर निकाला गया, बहुत बहुत गलत हुआ। ये हमारी दादी कहा करती थी कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, और वैसे भी तेजस्विनी माँ ने कभी किसी के लिए अच्छा नहीं किया, हमेशा सबको दुख दिया, फिर उनके दुख में उनका साथ कौन देगा। विवान, को कहा होगा, आप कैसी बातें कर, आज इतना हाई हल्ला होगा और आप वहां से हिले भी नहीं, सिर्फ तमाशा देखते रहे। क्या करते, वैसे भी क्या करते। हिमली एक बात सच बोले तो हमें तेजस्वी जी के लिए बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं, उन्होंने तो हमें नशे की आदत लगाकर हमें मारने तक की कोशिश की थी, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए। हिमली, तेजस्विनी जी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के लायक है, अगर उनके कारण हम अपना दिनचर्या नहीं बदल सकते, हमें नौकरी की जरूरत है और इस वक्त हमारे लिए वही प्रायोरिटी। आते विवान भैया के दिल में तेजस्विनी के लिए बहुत नफरत भरी है। जब हम उन्हें घर से बाहर निकाल रहे थे, एक शब्द नहीं बोला, खड़े होके तमाशा देख रहे थे बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, विवान को भी बुरा लगा है, आखिरकार तेजस्विनी माँ जी इस घर की बड़ी हुई और उनके साथ ऐसा व्यवहार देखकर कोने को खुशी नहीं मिली, समझी। अरे इमली, हम सच कह रहे हैं, विवान भैया के मन में नफरत का जहर भरा हुआ है और कभी ना वो बॉम्ब बन के फट जाएगा। फिर मत बोलना कि हमने तुमको बताया नहीं। चुप, विवान के अंदर कोई जहर नहीं है, ऐसी उल्टी सीधी बातें कर कर हमरे और विवान बाबू के बीच में टंटा खड़ा करना चाहती हो तुम। बकवास। ठीक है, मत सुनो, हमने तो बताया था। हाँ बोलो। रागनी मैडम, वो तेजस्विनी जी को ना गिरजा अपने घर लेकर गई है। क्या, उस गिरजा की इतनी हिम्मत, तेजस्विनी को हम सड़क पर देखना चाहते और उसने उसे अपने घर में पना दी, उड़ेंगे नहीं उस नमक हराम को हम। हे भगवान, लगता है रागिनी को पता लग गया है, अब वो गिरजा के घर जाएगी और तेजस्विनी जी को वहां से बाहर निकाल देगी। ठाक बाबू, सूरज भी वहां है। हम अभी वहां आ रहे हैं। रागिनी, क्या रागिनी रागिनी लगा रखा है, दिखाई नहीं देता हम कहीं जा रहे हैं ना। रागिनी, वो कमल नारायण जी तुम्हें ऊपर कमरे में बुला रहे हैं। हम उनसे बाद में मिलेंगे, पहले हमें गिरजा के घर जाना, उसने उस तेजस्विनी को अपने घर में पनाह दे रखी है। रागिनी, गिरजा मौसी के घर जाने से पहले तुम एक बार कमल नारायण जी से क्यों नहीं पूछ लेती, मतलब अगर वो तुम्हें आज्ञा दे तो तुम्हारा जाना ठीक होगा ना, पूछ लो ना एक बार उनसे। तुम्हें पता है, पापा तुम्हारे बारे में एक बात बिल्कुल सही बोलते, वैसे तुम हमारी दुश्मन हो लेकिन ये बात माननी पड़ेगी।